मॉर्निंग, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी लेटेस्ट सीटेट चल रहा है हमारा, जो जे 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ामिनेशन है। इसकी सारी खबर है आप लोगों को, इसमें कोई इसके बारे में कोई कहानी कहने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले भी मैं बहुत सीटेट का वीडियो मैं अपलोड किया, आज भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और स्पेशली मैं कहता हूँ कि चाहे वो क्लास वन से लेके क्लास फाइव के लिए एग्ज़ामिनी कैंडिडेट हो या क्लास सिक्स से क्लास एट के एग्ज़ामिनी कैंडिडेट हो, जैसा फॉर्म फिलअप किए, कोई दोनों के लिए करता है, कोई एक के लिए करता है, वो दोनों के लिए, दोनों कैंडिडेट के लिए मैं करता हूँ कहता हूँ कि आप इस मैथमेटिक्स को देखें, इनके स्टैंडर्ड को देखें और बनाने का ट्रिक और टेक्निक कंसेप्ट और मेथड देखें। अगर पसंद आता है लास्ट में पहले आप वीडियो देख लें, अगर पसंद आता है कि लगता है कि आपके नॉलेज में 0.001% का भी इंक्रीमेंट हुआ हमारे वीडियो से, तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो 1 करोड़ बार बोल चुके हैं कि आप हमारे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देख के आप जिस मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो मंजिल आपको मिले, ये हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ। उसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, पहले आप वीडियो देख लें। आपके नॉलेज में अगर ज़रा भी इंक्रीमेंट करता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, तब चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं तो दूसरे यूट्यूबर के तरीके से नहीं कि इतना भी व्यू आना चाहिए, इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए, कुछ नहीं कीजिए हमारे वीडियो में। आप इसको देखिए, अगर आप एग्ज़ामिनेशन में कम्पीट कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, मैं समझूँगा कि मेरा मेहनत निकल गया। आइए, और स्पेशली चलते चलते शुरू करने से पहले मैं जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो गर्ल हो या लेडीज़ हो, इससे मतलब नहीं है, फीमेल कैंडिडेट है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों की मैथमेटिक्स शुरू से कमज़ोर रहती है, इसमें ना घबराने की बात है ना शर्माने की बात है। इसलिए इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको पता है, 15 नंबर पैरागोजी, 15 नंबर पर सॉल्यूशन रहता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। तो पैरागोजी जो है, अगर उसको हल करना चाहते हैं तो आपके पास समय नहीं है, उसके लिए एनसीईआरटी की बुक थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। हम एक टीचर हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, समय नहीं है। और एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है कि नहीं आती है हमें नहीं मालूम। तो 15 नंबर का क्वेश्चन को हल करने के लिए 2011 से लेके 2019 तक का पैरागोजी को आप देख लें, रट जाए, चाट जाए, जो भाषा समझते हैं वही भाषा समझे, इसलिए कि उसमें 60-70% क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। अगर आपके पास माथा है तो चेक करके देखिए, 4-5 साल का क्वेश्चन, वो मैक्सिमम क्वेश्चन 60-70% का रिपीटेशन होता है, बाकी न्यू क्वेश्चन एज इट इज़ फिर रखा जाता है नया। उसी तरीके से ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स पहले भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है, ये 15 नंबर का न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, उसमें से अगर आपको 10 नंबर 8 नंबर भी आ जाता है और उधर भी 5 नंबर आ जाता है, मिला जुला के 30 नंबर में अगर 15 नंबर आपको आता है, यानी 50% हुआ, उधर उधर संभाल लीजिएगा बाकी सब्जेक्ट को, तब क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए कितना बोले, बात तो वही है, इफ़ इतना बराबर दिया हुआ है एक्स के तो कहता है इतना बराबर वाट, देखने से कहते तबियत खराब हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, इस दोनों के बीच में पॉइंट डाला हुआ है, अंक वही है, नंबर वही है, 527 उन्हीं का पॉइंट हटा दिया और वही नंबर को एज इट इज़ रख दिया, इनका पॉइंट हटा दिया और उसी नंबर को एज इट इज़ रख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इनके सवाल को उतारिए, 547 डिवाइडेड बाय 0.0082 एक्स का वैल्यू निकालना है, ये बराबर दिया हुआ है एक्स के, यही दिया हुआ है बराबर, कुछ नहीं करना है। ऊपर में देखिए कै अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद, नीचे देखिए कै अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे, नीचे 4 है, इन पर 4 जीरो रख दीजिए, और यहाँ ऊपर में 3 है, इनको जो है गुना कर दीजिए 3 जीरो से, हो गया। इनके बदले में इनको रखा, इनके बदले में इनको रखा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, फाइनल बचा, पॉइंट हट गया, 527 अब बटे 82 अब गुने ऊपर 10, ये बच गया एक्स। ऐसे देखिए आप 2 सेकंड में बनाइए, इनको कोना कानी गुना कर दीजिए, इनको इस पूरे नंबर से, इनको इनसे,
एक्स का वैल्यू निकालना है। जब इसको कोना कोनी कीजिएगा तो ये इनको एज इट इज रहने देंगे और ये जवाब आपको एक्स बाई टेन आ जाएगा, इसलिए कि ये टेन इनके बटा में चला जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, इनका जवाब एक्स बटे दस होगा। जहाँ भी आंसर शीट है वहाँ उसको आप चुन सकते हैं। इतना समझाने की हमको ज़रूरत हुई आपके लिए, वरना दो स्टेप में दो सेकंड में ये सवाल बनेगा। ठीक, एक्स बाई टेन इस महाराज का जवाब होगा, इस महाराज का वैल्यू एक्स बाई टेन होगा। कहीं गुना भाग कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए, नीचे में उतना ज़ीरो, नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में उतना ज़ीरो, नीचे वाले से ऊपर वाला ज़्यादा है इसलिए एक दस बच गया, तीन जीरो से तीन जीरो कट गया, एक दस बच गया। गुना करने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव हटा दिया, गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स बाई टेन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एक्स बाई टेन इतने के बराबर बचेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो देखे, वीडियो छोड़ के भागे नहीं। सवाल नंबर दो देखे, संतावन पॉइंट वन टू, संतावन पॉइंट बारह नहीं पढ़ेंगे इसको, 57.12% ये कितना भिन्न के तुल्य होगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना के बराबर होगा। पहले जान लीजिए लेडीज कैंडिडेट, परसेंट का मतलब होता है 1/100, इतना ज़रूर खोपरिया में रखिए कि परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। यहाँ परसेंट हटाना है तब ये फ्रैक्शन बनेगा, कुछ नहीं करने का, बहुत आसान टेक्निक है वो, ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो कीजिए इनके पॉइंट को हटाइए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये 5712 होगा, और इनकी दो अंक के बाद दशमलव है राइट से, तो दो जीरो इस पर रखाएगा। अब आइए परसेंट की दुनिया में, हमने कहा कि इनको 1/100 से गुना करें, तो इनको एक से गुना करेंगे तो एक, और इनको बच जाएगा नीचे में 100। इसका मतलब हुआ कि 5712 डिवाइडेड बाई 1/1, माने 1/4 जीरो, यानी 10^4। अगर इतना में जवाब बचता है, मिलता है तो मिलाइए, नहीं तो इनको काटिए। ये 16 बार में कटेगा तो 625 होगा, और ये भी अगर 16 बार में काटेंगे तो आपको 357 होगा। देखिए उसके में जवाब, अगर ये दो पार्ट का जवाब दिया हुआ है 357 अब बटे 625, तो इस जवाब को आप चुन लीजिए। नहीं, अगर ये पूरा जवाब दिया हुआ है तो इस जवाब को भी आप चुन सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर तीन देखिए, सवाल नंबर तीन देखिए, आप इसको देख के, ये फ्रैक्शन का घटाव है, भिन्न का घटाव है, परेशान हो जाएंगे, परेशान होने का काम नहीं है। सेटर बड़ा अकल से सेट करता है, आपकी लॉजिक जानना चाहता है, इसमें कुछ नहीं करने का है, दो सेकंड में बनेगा। देखिए 4/16 न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को बिल्कुल गोली मारिए, 4/16 माइनस 1/8, एक पार्ट हुआ बराबर है 3/8 के, दूसरा पार्ट 6/7 माइनस 2/9 बराबर है 4/2 के, ये दूसरा पार्ट हुआ। तो इस दो पार्ट के बेस पे जैसे गड़बड़ किया ये दोनों, उसी तरीके से गड़बड़ इसमें करना है। ये गड़बड़ क्या किया वो देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 8, देखिए 3/8 मिला। दूसरा आइए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे, यहाँ बड़े वाले में से छोटा घटाए, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 2, यही ना है 4/2 है ना। तो इसमें क्या करना है, 5 में से 2 घटाना है तो 3, 11 में से 7, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है तो 11 में से 7 घटाएंगे तो ये 4 होगा। इसका मतलब 5/11 माइनस 2/7, ये आपको 4/7, 3/4, यही इनका जवाब होगा। दो सेकंड में चुनना है, इनको घटाने उठाने की ज़रूरत है ही नहीं, इनको घटाने की ज़रूरत नहीं। अगर इसको घटाएंगे तो इतना नहीं आएगा, इसलिए कि 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 8 नहीं होगा। 4 में से 1 घट सकता ही हम मानेंगे, लेकिन 16 और 8 का एलसीएम 16 होगा, यहाँ 8 नहीं होगा। टेक्निक जो हम बताया वही टेक्निक से ये 3/4 इनका जवाब आएगा। जहाँ भी 3/4 रहे इन्हीं को आप चुनिएगा और यही आपका करेक्ट जवाब है। ठीक, सवाल नंबर 4 देखिए, भागिएगा नहीं। देखिए सवाल नंबर 4 देखिए, इस तरह का भी सवाल छोड़ के लेडीज़ ग्रुप भागाती है, भागिए मत। ये कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 609 एंड 4028, सम का मतलब जोर, योग।
ये पहला सवाल कहता है कि 609 आपको लिखने आता है, 609 ऐसे लिख लीजिए, 609 इकाई दहाई सैकड़ा, ये 609 हो गया। कहता है कि उसमें जोड़िए दोनों का योड़, 4028 यानी 4028, 4028 जोड़ने के लिए 4 पर 1 0 और 8 लिखेंगे, इसको पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4028 हुआ। इनको उठाइए और इनमें इनको जोड़ दीजिए, आप जोड़ मांगता है, सम मांगता है, मतलब योग, 9 8 17 के साथ 1 बच गया, 2 1 कितना होगा 3, ये 6 के 6 रहेगा, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, इनका जो जोड़ होगा वो 4637 होगा, यही आपका जवाब होगा, बाकी कोई जवाब नहीं होगा। इतना आसान सवाल छोड़ गया, भागते हैं सवाल नंबर 5 देखिए। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके पास होगा ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं है। इनको देखिए कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, तब जाके आपके समझ में आएगा कि कब कब पूछा है। ये स्टेट में भी पूछा है और सी टेट में भी पूछा है। कहता क्या है ये समझिए, फाइंड द सम ऑफ 625 125 25 एंड 5 इफ़ ऑल आर डिवाइडेड बाय 10। कहता क्या है कि इन चारों नंबर का जोड़ बताइए कब, अगर चारों को 10 से भाग दिया जाए तो उसका जोड़ क्या होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बराबर लिखिए, ऐसे लिखिए 625 प्लस 125, सबका जोड़ मांगता है 25 प्लस 5, पूरे में डिवाइड कर दीजिए 10 से। इसका दो टेक्निक, या तो सबको जोड़ लीजिए और उसमें 10 से भाग दे दीजिए, या सबको अलग अलग करके 10 से भाग दीजिए। सबसे आसान तरीका, सबको जोड़ लीजिए आप, तो 125 ये 25 और 5 कितना 130, और 125 में सॉरी 30 जोड़ दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा 155, यानी 625 ये पूरा पाठ हो जाएगा 155। इनमें जोड़ दीजिए 5 और 5 10, और 5 और 2 7 1 8 और 6 1 7, ये बराबर हो जाएगा 780 और बटे 10, इससे कट जाएगा, इनका जोड़ बचेगा 78, यही इनका जवाब होगा। इसमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका, इससे भी सबसे आसान तरीका है, अगर इस पर भी माथा आपको काम नहीं करता है कि नहीं ये भारी है तो सब में 10 से डिवाइड है, तो इसको लिखिए, सबको अलग अलग कर दीजिए, 6/10 प्लस 125/10, ये ज़्यादा समय आपका लेगा, 10/10 और 5/10, ये देखिए इतना 10/10 इसका मतलब 62.5, ये इतना 10/10 इसका मतलब 12.5, एक अंक के बाद दशमलव, और प्लस ये 2.5, और ये हो जाएगा 0.5 यानी 0.5, और कुछ नहीं कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए आप 12.5 इसको, इसको 2.5 इसको, इनको 0.5 इनको जोड़ दीजिए 0.5, देखिए 1 2 3 4 पाँचों का 20 का 0 हाथ में रहा, 2 2 3 6 और 2 कितना हुआ 8, 6 कितना हुआ 7, यहाँ पॉइंट है, ये कट गया, ये आपको बच गया 78, वही जवाब हुआ। लेकिन इस मेथड से आपको नहीं बनाना है, ये ज़्यादा समय लेगा, इससे पहले वाला जो मेथड बताया उस मेथड से आपको बनाना है। सवाल नंबर 6 देखिए।